जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरा ये जॉबलेसपन, अकेलापन ठीक के लिए हुआ। अवेकनिंग और मेरे थ्रू वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचना, तो इस तरह होती हैं कुछ चीज़ें। तो अब जैसे मैं और चीज़ें भी आपको बताऊंगी कि कोविड आया, उसने हमें सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सिखाया कि कभी कभी दूरियां भी ठीक होती हैं, क्योंकि उसमें हम बहुत चीज़ें सीखते हैं उन दूरियों से। अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो कुछ लोग परेशान होने लगते हैं उस अकेलेपन में, और कुछ लोग देखते नहीं। कभी कभी अपने आप को समय देना भी अच्छा लगता है। बहुत कुछ ऑब्जर्व्स करते हो, अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, नेचर को ऑब्जर्व करते हो, ज़्यादा जीने लगते हो, एक बार फिर से एक्चुअल सेंस में जीने लगते हो। ये नहीं कि बस हल्ला गुल्ला शोर शराबा, यही थोड़ी है ज़िंदगी। ये है, ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, ज़रूरी है। लेकिन और भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। लाइफ इज़ मल्टी डायमेंशनल। द होल एग्जिस्टेंस, द होल कॉस्मोस इज मल्टी डायमेंशनल। और उनको समझने के लिए आपको अपने ब्रेन, जो ब्रेन है खुद में यूनिवर्स है, तो उसको खोलना पड़ता है। तो मैंने आप लोग को शायद बताया था कि कभी कभी डिज़ायर भी जिनकी पूरी नहीं होती है, उनका विजडम नहीं खुल पाता। और मेरी डिज़ायर थी कि एक ऐसा दोस्त हो जिसके पास समय नहीं भी हो तो जब भी हो थोड़ा बहुत हिंट ही पास कर दे कि मैं हूँ कहीं ना कहीं, और जो मेरे ज़्यादा गुस्सा या खफा होने पे एक स्लाइट वे में मुझे वापस मना भी ले। एक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हिंट में कि मना रहा है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ कहीं ना कहीं, गायब नहीं हुआ हूँ, भूला नहीं हूँ, है ना। और वो सलोना भी दिखे। अब रूप, कुछ कहते ना मूर्ति से कुछ लोग डिवाइन तक पहुंचते, तो कुछ लोग रूप। अब गुरु जी में क्या कि वो ऐसे कुछ बहुत सुंदर नहीं है, आप नहीं दिखेंगे कि उनके सर पे बाल नहीं है या वो बहुत गोरे नहीं हैं, है ना। तो वो एक रूह ने रूह को देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने बहुत पहले भी ये चीज़ एक्सप्रेस कहीं की थी, लिखा था या कहा था कि रूह ने रूह को देखा और मुस्कुरा दिया। तो वो चीज़ें रूहानी हैं, आत्माओं की है, रूप से परे है। और अब ये भी लग रहा है कि जो मेरी लाइफ में हुआ वो सब चीज़ वो कहीं ना कहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत पहले इशारा किया था, वर्षों पहले, कि इसको कुआं झकवा दो। मम्मी को कहा कि कुआं देख लेगी ये इसकी प्रॉब्लम से। तब वो लग रहा है कि हाँ, मैं एक बार मैसेज में, मैं बहुत मैसेज करती थी अपने फ्रेंड्स जो बने, उनको मतलब बॉयफ्रेंड कह लो, मैं उनसे ज़्यादा क्लोज हो गई, उनको बाप भाई सब कुछ समझने लगना। तो दो जिस वो मैं ज़्यादा, जो एक सरदार जी जो बाद में आए, जो कुछ कुछ वैसे ही लगता था जैसे गुरु जी हैं, जैसे वो सेकंड वाला फ्रेंड था। पहला तो एक जैसे बाल गोपाल की तरह था मेरे लिए, वो बाल अवस्था थी, मेरी भी उसकी भी एक बाल अवस्था थी। तो ये लर्निंग स्टेजेस होते हैं और वो इस तरह से होते हैं। कोइंसिडेंस मेयर नहीं था ये सब मेरी लाइफ में होना, कुछ रीज़न से हुए। अब समझ में आया कि कारण था इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने बोला कि कुआं, तो मैं कहती थी ना कि मैं मैसेज जो कर रही हूँ अंधा कुआं भरने की कोशिश कर रही हूँ। तो अंधा मतलब कि एक गहरा, मतलब बहुत अंतहीन कुआं भरने की कोशिश कर रही हूँ। वो इशारों में बोल दी कि इसको कुआं झकवा दो। क्या पता वो भी नहीं समझ रहे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सबकॉन्शियसली कि उनकी इस बात का ये मतलब, इस बात का ये। तो उसके उसी तरह बहुत पहले जब मैं सिर्फ 18-19 साल की थी, तब उन्होंने मेरी मॉम को कहा था कि दरगाह का पत्थर, इसको दरगाह, दरगाह से भी आप कनेक्ट कर पा रहे, दरगाह का पत्थर।
पहना दो। तो ओनिक्स, पन्ना पन्ना महंगा है तो ओनिक्स। तो दरगाह से अब मैं कनेक्ट कर पाई कि मेरी कई जो जन्म हुए उनमें एक जन्म मैंने आप लोग को बोला कि आशना वाला था। तो मेरे ना जो डेथ्स हो रहे थे, अब मुझे लग रहा है प्रीवियस बर्थ में मुक्ति नहीं मिल रही थी मुझे, मोक्ष नहीं, मेरी अननेचुरल डेथ्स हो रही थी, बड़ी दर्दनाक डेथ्स हो रही थी। तो मेरी आत्मा बार बार जन्म, एक भटकने की तरह भी जन्म पे जन्म हो रहा है मेरा। तो एक बार मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम सच में क्या चाहती हो? मैंने कहा मोक्ष, मुक्ति चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला कि मिल जाएगी। और मुक्ति, मोक्ष कब मिलता है? कभी कभी जब आप बहुत चीज भोग लेते हैं, भोग से भी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो जैसे कि भोग है, फिर विजडम, आपकी विजडम, विजडम नहीं खुलती है कभी कभी जब आपकी डिज़ायर नहीं, डिज़ायर क्या है, भोग है एक तरह का। तो विजडम खुलना, अब जैसे ये जो फ्रेंड मिला ना, उसने भी मेरे से एक बार इंटरनेट पे यही पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो मैंने कहा सेल्वेशन। उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल? वो ज़्यादा इंग्लिश में बोलता था, मतलब इंग्लिश में हमारी बात थी। तो मैंने कहा सेल्वेशन। तो सेल्वेशन क्या है? मोक्ष। और मोक्ष कैसे होगा? जब भोग लेंगे आप बहुत चीज़ों को, सुख को दुख को भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, और डिज़ायर भी एक भोग है। तो डिज़ायर पूरी होती है तब विजडम खुलता है। तो इस तरह में अब उन्होंने क्या कहा था, दरगाह, तो कि मेरा अल्टीमेट जो विजडम खुले, वो शायद जानते होंगे कि ऐसे किसी से खुलेगा जो उस फेथ में है, जो लोग दरगाह को मानते हैं। तो मुझे जो फाइनल फ्रेंड मिला वो उस फेथ से है जहाँ दरगाह को माना जाता, मतलब वो लोग वो फेथ में है, फेथ यानी रिलीजन भी कह लो, वो उस रिलीजन के हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम्स ऑफ रिलीजन, प्लीज आइडेंटिफाई इट योर सेल्फ। कि तो वो इशारा था कि दरगाह, कि वो जो फेथ हो, वो अल्टीमेट शायद, वो भी अभी गुरुजी भी शायद शायद में ही थे, अपना उनका चल रहा था, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, शायद ये बात है। हम लोग बहुत चीज़ तुरंत श्योर नहीं होते, पर श्योर होते हुए भी अनसर्टेन होते, कुछ चीज़ हम श्योर भी हैं पर फिर भी अनसर्टेन, दुविधा रहती है थोड़ी थोड़ी। तो उनको लगा और हुआ यही भी कि वहाँ जाके मेरी अब विजडम, मोक्ष का रास्ता है दरगाह, क्योंकि मैं ऐसे फाइनल फ्रेंड से मिली। अब मुझे यही लगता है कि वो फाइनल है, इसके बाद अब कोई फ्रेंड मुझे नहीं, वो मेरी डिज़ायर पूरी हो गई। तो वो उस फेथ का है जहाँ दरगाह को मानते हैं। फिर मेरे गुरुजी फाइनली समझ गए कि अब इसको जो इसकी मॉम है इसको बोल दें, मतलब कोई ज़रूरत नहीं, कोई पुखराज, कोई पन्ना, कोई ओनिक्स, अब ये उस लेवल पे चली जाएगी, पत्थरों से परे। लोग कहते हैं ना पत्थरों हैं, ठीक है वो चीज़ें होती हैं, वो भी आप पत्थर पहनते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को हेल्प करती हैं लाइफ में, डिवाइन का एक प्रेजेंस होता है उन चीज़ों में। लेकिन एक लेवल वो भी आता है फ्रेंड्स, दोस्तों, जो उन सब चीज़ों से, अब मेरे गुरुजी को भी मैंने देखा, कोई रिंग कुछ नहीं पहनते, परे हो गए, बहुत ऊपर हो गए उससे। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो मंदिर है, उस मंदिर का भी अनादर नहीं आप कर सकते हैं, उसमें कुछ डिवाइन पावर्स, जो मैंने बचपन में ही फील कर लिया था कि मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है उस मंदिर में। छोटी सी थी तो मैं गई उस मंदिर, वो 17 साल की थी, मंदिर में गई, मैंने देखा कि अरे मेरा तो यहाँ ब्रेन कुछ एक्टिवेट हो रहा है, दबी हुई कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर मेरी। मैंने उनको बोला भी, गुरु जी को, थोड़ी और बड़ी हुई जब, कि मेरी तो राइटिंग बदल रही है, मेरे तो कुछ कुछ सोचने का ढंग, वो सब समझ रहे थे कि मुझे अब लग रहा है कि ये अब उस एवोल्यूशन वाले स्टेज, एवोल्यूशन हो रहा है इसका, इवॉल्व कर रही है। तो वो आप मंदिर को भी नहीं डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो दरगाह के लिए, या
मूर्ति को डिसरिस्पेक्ट कर दो, कि मूर्ति से ऊपर वाला लेवल भी होता है। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सबको रिस्पेक्ट दो, सबसे प्यार करो। प्यार का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा अट्रैक्ट हो, मोहित हो उस पर, नहीं। प्यार मतलब एक तरह का सम्मान, कोई कैसा दिख रहा है, किसी को चिढ़ो मत किसी चीज़ से। आप हाय ये कैसा, एक अवर्जन टाइप नहीं। अच्छे हैं सब, अच्छे हैं, और कुछ बुराइयां भी हैं तो आप उन बुराइयों को थोड़ा सा ये देखो कि अरे हाँ, इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है यार, ये अच्छा नहीं है। पर नफरत कोशिश करो ना करो, नफरत क्या है, नफरत मत करो, कोशिश क्या, नफरत मत ही करो। गलत है, जैसे अब क्या मेरे हस्बैंड ने कहा कि लास्ट वही है कि आपको वध करना पड़ता है, तो एक वो फॉर्म भी है, वॉर होते हैं उसमें गलत, बहुत से गलत लोग वो योद्धा पैदा होते हैं, जो हम कड़ी चीज़ें कमांडोज हैं, वो लेवल डिफेंस वाले, वो क्या कर रहे हैं, वो गलत को उस फॉर्म में मार रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा कह लो अग्रेसिव फॉर्म में मार रहे हैं, जैसे सच में आप या मतलब किल कह लो, किल ही कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कैसे किल करके खत्म कर। और एक दूसरा तरीका भी है वध करने का, कि विवेक से अपने अपनी बुद्धि से बिना किसी को किल किए भी आप उसके बुराई को मार रहे हो, कैसे, अपने विवेक से, प्यार से, आपके अंदर जो प्यार है, जो बुद्धि है, सद्भावना है, प्यार मत कहो सद्भावना कह लो, तो उससे आप, जैसे मेरे अंदर भी थी ये लग रहा है, कुछ कुछ बहुत बुराइयाँ थी, तो वो चीज़ कैसे मरी, गुरुजी के प्यार और बुद्धि से मर गई वो चीज़ें, धीरे धीरे वॉल्व। और वो कैसे हुआ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उस प्यार को अब्जॉर्ब कर रही थी, उस विवेक बुद्धि को समझने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने क्या बोला, एक कथा में कहा गया कि निरंतर नियंत्रण तो इंद्रियों पे होता है, वो भी बहुत कम लोग कर सकते हैं, अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स इंद्रियों पे नियंत्रण। जैसे किसी की जीभ बड़ी लप लपाती है, ये खाना है वो खाना है, बड़ा मन करता है उनका, डिज़ायर है, वो पूरी करते रहते हैं, नहीं, आपको इंद्रियों पे नियंत्रण भी करना ज़रूरी है, रेगुलेशन ऑफ योर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। फिर वो सब बहुत ऊपर चल, मैं क्या उतना नहीं बता सकती हूँ। तो इस तरह होती है चीज़ें, कि अब मैं रिसेप्टिव रही कि ठीक है सीख रही हूँ, तो प्यार बहुत ज़रूरी है, प्यार करो फिजिक हर। और कुछ अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सेक्सुअलिटी को भी हमेशा गंदगी से मत कनेक्ट करो, गंदी चीज़, फल है तो मल भी है, मल क्या है, डर्ट, पर फल है तो मतलब वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आप खाओगे भी और डर्ट भी नहीं, तो कुछ डिज़ायर डर्ट ही हैं, लेकिन वो डर्ट भी कहीं ना कहीं पास आउट होना ज़रूरी है। तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, तो कुछ डर्टी डिज़ायर्स भी कभी कभी पूरी मतलब एकदम कैसे, वो एक अलग ही लेवल है, नहीं वो मेरे से कहा जा रहा है। तो जहाँ फल है मल भी है, आप खाओगे आपके अंदर प्रोसेस होगा, इंजेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन, तो वो एक्सक्रीटा है, निकल गया, ख़त्म करो, मिट्टी में मिल गया वापस, ठीक है, ये हैं चीज़ें। तो आप लोग समझो इस बात को, और हैप्पी प्रोग्रेसिंग, कीप प्रोग्रेसिंग, सबको मोक्ष मिले, अच्छे लोगों को, सब तो अच्छे ही हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, सब अच्छे हैं, सबको मोक्ष मिले।